फितरत से हीरो, पॉकेट से जीरो, दिल में मेरे राम हैं और बाबूजी परेशान हैं। नमस्कार, मैं बिहार का बेरोज़गार। मैं आपके गली का वो लौंडा हूँ जो घर पर गुमसुम चुपचाप है, लेकिन फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम की दुनिया का वो रॉक स्टार है। 4 साल पहले एक सस्ते इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला हुआ एक निकम्मा इंजीनियर, फिर जीके जीएसटी रटता हुआ वह आपको अक्सर ट्रेनों में लूसेंट का पन्ना पलटता हुआ मिल जाता है। करंट अफेयर में मोदी जी के हर एक योजना से लेकर भारतीय सेना के सैन्य अभ्यास और अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म, सबकी जानकारी इसके जुबान पर रहती है। अच्छे दिनों का वादा भी और हमारे दुश्मन पाकिस्तान का नापाक इरादा भी। देखिए सर, हमको ज़्यादा कुछ नहीं आता है, हम भूगोल में शून्य हैं, इतिहास का खबर नहीं है और नागरिक शास्त्र में तो गोल हैं। हाँ, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में आकर एक बात तो पता चल गया है कि एक उम्र बीत जाने के बाद एक आम मिडिल क्लास लड़के के लिए विचारधारा नहीं, नौकरी मैटर करती है सर। नौकरी, एक अदद नौकरी जिसके मिल जाने से हमारे वजूद पर लगा आवारगी का दाग धुल जाता है, वो सर्प का चमकार नौकरी। पहले आईएएस, उसके बाद से एसएससी और फिर फ्रस्ट्रेशन का ई लेवल आता है ना सर, कि हम लोग रेलवे का गैंगमैन से लेके लोको पायलट तक का फॉर्म भर भर के अपने सेल्फ स्टीम का ऐसा बत्ती बनाते हैं ना सर, कि रात को जब हम अपने बाबूजी के साथ टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं ना, तो परवल नहीं घुटाता है सर। 5 ट्रिलियन भारत के इकोनॉमी का सपना दिखाने वाला सरकार, सरकार नहीं है सर, जादू है जादू, समझे। 2 साल पहले फॉर्म निकला था, एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन फॉर्म का पैसा घोर घोर के जिले लाही खैरात बांट रहे हैं। और फिर हमारा बाप, जिनको इस सिस्टम की जगह उनका बेटा ही करम जला लगता है, 27-28 साल के बाद बाप के पैसे का रोटी ना पत्थर जैसा फलक में उतरता है सर। और फिर आप बोलते हैं कुत्ता पाल लो देसी नस्ल का, खिलौने बेच लो। अरे सर, काजू के आटे की रोटी खाइए आप नेता लोग, और इस आधी पेट बिलबियाती जनता के हाथ राष्ट्र और हिंदू खतरे में का झुंझुना पकड़ा दीजिए। बड़ा सही बात है सर, बड़ा सही है। अरे कान खोल के सुन लीजिए आप, देश की 3/4 जनता आपके आने के पहले भी हिंदू था और आपके जाने के बाद भी हिंदू रहेगा, क्या कि धर्म कोई फुटबॉल नहीं है सर, कि राह पर चलता कोई भी आए और किक मार कर चला जाए। अरे हम लोग बड़ा शिद्दत और बड़ा उम्मीद से आपको लाए थे कि आप सिर्फ हिंदू सम्राट नहीं, भारत सम्राट बनिएगा, युवाओं के दिल का सम्राट बनिएगा, युवाओं के दर्द को समझिएगा। लेकिन जब सरकारी नौकरी के साथ साथ रेलवे स्टेशन बिकने लगे, 3 महीने में 20 करोड़ युवा अपना रोजगार खो दे और विश्व में 4th नंबर पर अंबानी पहुँच जाए ना सर, तब लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है। टीवी पर मरने वाले एक्टर का शोर तो है, लेकिन भारत के कोने कोने में लाखों युवाओं के 1,000 नौकरी पाने का सपना, जो हर रोज बढ़ती उम्र के साथ मर रहा है, उससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, उसका कहीं शोर नहीं है। हमको पता है सर, आपको बुरा लग रहा होगा, एकदम परपरा के लग रहा होगा, लेकिन क्या करेंगे सर, जब पेट में भूख और आँखों में बेरोजगारी का जलालत हो ना, तो मुँह से भजन नहीं गाली ही निकलता है सर, गाली। अरे आपको जिस युवा ने इतना प्यार दिया कि आपके लंबी गाड़ी और बड़ी हुई दाढ़ी के सामने नतमस्तक हो गया, उसको आप पकौड़ा और खिलौना बेचने का भद्दा मजाक करते हैं सर। अरे आप तो गुजराती है ना सर, आपको तो पता होगा ना कि इस देश में सड़क के किनारे अगर रेड़ी लगाना होता है तो गरीब लोगों को पुलिस वालों को कितना चंदा और हफ्ता देना पड़ता है, आपको तो पता होगा सर। और तब आप बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो। अरे रचाइए ढोंग, दिखाइए सपना, आपसे पहले भी आया था तुगलक, जिसका सपना और नियत साफ था, लेकिन ज़मीन पर आते ही ना तें बोल जाता था। अब कमेंट सेक्शन में आके हमको कुछ लोग गाली देगा, हमको एंटी नेशनल बोलेगा, हमको देशद्रोही बोलेगा। अबे बोलो, अगर साला अपने ही देश में, अपने आज़ाद मुल्क में, अपने सरकार से सरकारी नौकरी मांगना गुनाह हो जाता है, एग्ज़ाम के डेट का हिसाब मांगना गुनाह हो जाता है, तो हम ऐसा गुनाह एक नहीं 1,000 बार करेंगे अपने देश के युवाओं के लिए। तुम रहो अपने नेता की चाटने में और देश को महान बनाने में, हम युवाओं के साथ खड़े हैं और युवाओं के साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद।